अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद ज़ीशान अहमद, मैकेनिकल इंजीनियर। अक्सर डबल हेडल के अंदर प्रॉब्लम आती है थ्रेड दाने की, आज हम इसके बारे में आपको फुल गाइड करेंगे। ये मशीन चला के दिखाते हैं आपको। ये देख लें, ये देख लें सिलाई इसकी। अच्छा, अब जब इस तरीके की कंडीशन आए तो हमें सबसे पहले ऊपर वाले टेंशन चेक करने कि थ्रेड लूज तो नहीं हो रहा। ये थ्रेड हम टाइट करने पड़ेंगे। अच्छा, अब चला के चेक करें क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी इस थ्रेड में देख लें दाना आ रहा है, मज़ीद धागा और टाइट होगा। अब इसकी स्पीड चेक करें। अच्छा, थ्रेड में अभी भी ये जो है ना दाना आ रहा है, देख सकते हैं। थोड़ी सी टेंशन हमें और टाइट करने पड़ेंगे। अच्छा, अब ये देख लें आप, ये फर्स्ट नंबर की सिलाई है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब हल्का हल्का इसमें भी दाना आ रहा है, ये दाना नहीं है, ये तरीके की घिठान है। तो ये हल्का सा टेंशन और टाइट होगा और ये मज़ीद सिलाई और साफ़ हो जाएगी। ये देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का दाना आपको नज़र आ रहा होगा। अब मज़ीद इसको और बेहतर करते हैं हम। ये चेक करें आप, ये जो लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग पे सिलाई आपको डेनम पे चला के आगे। अभी हमने इसके अंदर लाइनिंग के बीच के अंदर अभी हमने जो है ना डेनम का पीस रखा है, ताकि आपको इस चीज़ के बारे में बताएं। ये देख लें पहले की स्टिचिंग, सिलाई देख लें ऊपर की और नीचे की, ये बिल्कुल दाना ख़त्म हो चुका है। और ये जो पहले कंडीशन आ रही थी सिलाई के अंदर, अब ये देख लें ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। जब हमने फर्स्ट टाइम जब सिलाई लगाई थी उसमें ये प्रॉब्लम आ गई। और डेनिम का फैब्रिक लाइनिंग के बीच में रखने की वजह से ये हमारी स्टिच के अंदर इतनी फिनिशिंग आ गई। ये अपर सिलाई है ऊपर की और ये नीचे की, अगर जैसा मिसाल के तौर पे अगर आपका दाना ऊपर आ रहा है तो ये बॉबिन गेज का नट देख सकते हैं आप, ऊपर अगर दाना आ रहा होगा तो हमें छोटे पेचकस से ये वाला नट टाइट करना होगा।
ये देख सकते हैं ये बॉबिन केस का स्क्रू नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, इसमें दो स्क्रू लगे हुए हैं, ये वाला स्क्रू आपको पीछे वाला जो स्क्रू है ये लूज़ नहीं करना होता, आगे वाला करना होता है लूज़ का है, जैसा कि ऊपर दाना आ रहा है। तो इसमें हम छोटे पेचकस से इसको हम टाइट कर देंगे तो दाना हमारा सही हो जाएगा। सही हो गया, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ऐसी मज़ीद वीडियो आप दोस्तों के लिए लाता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल करें।